शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इससे सुंदर हार पहले हमने कभी नहीं देखा, ये खास आपके लिए। और ये रत्न जड़ित रेशमी वस्त्र भी, महारानी साहिब, राजा साहिब चाहते हैं कि आप अपने जन्मदिन पर यही वस्त्र पहने। धन्यवाद बेटा, आपको कितना ध्यान रहता है हमारा। इतना ही नहीं महारानी साहिब, राजा साहिब ने निर्णय लिया है कि आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर शुद्धिकरण हवन और प्रजा के लिए भोज करवाया जाए। अब आप क्या करेंगे रानी माँ? सामने से बाहर अब पूरा राज्य देखेगा मेरा डाकिनी रूप। जो भी इस हवन में आएगा वो मारा जाएगा, जो बच जाएगा वो मेरे काले जादू के वश में होगा। आप सबका स्वागत है महल। प्रणाम राजा साहब। आइए। आइए आइए, स्वागत है आप सबका। प्रणाम रानी। सदा खुश रहिए। राजा साहब, हवन प्रारंभ करें। पंडित जी, माँ आती ही होगी, उनका आशीर्वाद लेने के पश्चात ही हम हवन आरंभ करते हैं। जी। दुर्गा प्रसाद, माँ को देख कर आओ। जी राजा साहब। ये गांव वाले इस महल के अंदर तो आएंगे मगर बाहर नहीं जा पाएंगे। मेरे एक इशारे पर ये पिशाची शक्ति उनको खत्म कर देगी। हा, 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 हा।
रानी साहब, रानी साहब, कहाँ चली गई? डाकिनी मर तो नहीं गई? नहीं, वो बहुत शक्तिशाली है, इतनी आसानी से नहीं मर सकती। तो फिर वो गई कहाँ? कहीं उसे हमारी योजना के बारे में पता तो नहीं चल गया? मासी, आप तो जानते थे वहां पे हवन शुरू होने वाला है, फिर आप वहां क्यों जा रही है? हवन की आग आपको जलाकर भस्म कर देगी। उससे पहले मेरे द्वारा निर्मित जादुई आग उन सबको जलाकर भस्म कर देगी। लगता है फिर से कुछ भयंकर करने वाली है ये डाकिनी। तुम दोनों बस थोड़ी देर के लिए अधिराज को वहां से दूर रखना। उसी समय मैं अपनी जादुई आग से पहले उस मंत्री और फिर वहां उपस्थित लोगों को जलाकर भस्म कर दूंगी। हवन स्थल को शमशान घाट बनाकर राख कर दूंगी मैं। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसे हर हाल में रोकना होगा। अब छिप कर नहीं, दाकिनी के सामने आकर लड़ना होगा मुझे। मेरी मदद करो अंबे माँ, गांव वालों को उस जादुई आग से बचाने के लिए मुझे इस आग में कूदना पड़ेगा। अभी तक माँ को लेकर दुर्गा प्रसाद आया नहीं, हम स्वयं जाकर देखते हैं। तू हुआ तो खुद ही आ गया मरने के लिए। वैसे भी मरने की पहली बारी तेरी ही थी। सपने तो बहुत बड़े बड़े देखे हैं तुमने, पर अफसोस पूरे नहीं होते। बहुत प्रयास किए ना तुमने मुझे मारने के, पर मैं मरा नहीं, है ना?
धंधा है? तो एक बार बच गई इसका मतलब ये नहीं हर बार बच जाएगी तू। कनक, स्वराज, तुम दोनों अधिराज को जाकर संभालो, मैं इस आफत का अंत कर आती हूं। अंत तो तुम्हारा होगा डाकिनी, ताकि अच्छाई का आरंभ हो सके। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आओगी डाकिनी, तुम अपनी पराजय के लिए तैयार हो जाओ। अरे जा, पराजय और मेरा कोई संबंध नहीं, मैं एक महाशक्तिशाली डाकिनी हूँ। मुझे देखकर पराजय भी अपने घुटने टेक देती है। मेरा ये अग्नि बंधन तुझे ऐसे जकड़ेगा कि तेरी हड्डियां तक गल जाएंगी। मुझे जल्द ही से दिव्य चंदन के लेप को इसके शरीर पर लगाना होगा। चीखने की आवाज कहां से आई? कहां जा रहे हैं आप? वो हम मां को बुलाने जा रहे हैं। तुमने किसी के चीखने की आवाज सुनी? सुना ना? माँ, अच्छा आधी रात तुम आ गए। ये देखो, अपनी आंखों से देखो। छ
जिसे तुम अपनी माँ समझते थे उसी ने तुमसे तुम्हारे असली माता पिता को छीना है। अरे ये माँ क्या, ये तो इंसान भी नहीं है, डाकिनी है, डाकिनी। इतने वर्षों से तुम्हें माँ समझकर हृदय में स्थान दी और तुम ये है तुम्हारी सच्चाई। समाप्त कर देंगे आज हम तुम्हें और तुम्हारे सारे साथियों को। पर अपनी पत्नी पर आज तक नहीं आने देखे। चीखने की आवाज किसकी हो सकती है? हमारी और किसकी? हमने इतनी बड़ी छिपकली देखी कि डर के मारे चीख तो निकल नहीं थी ना। तुम भी ना कनक। अच्छा माँ कहाँ पर है? वो रानी माँ ने कहा है कि उन्हें थोड़ा समय लगेगा तैयार होने के लिए, तब तक लोगों में भोजन वितरण करने के लिए कहा है उन्होंने। हम माँ की अनुपस्थिति में कुछ भी नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं माँ को बुलाने। रोको इसे, अगर ये वहां चला गया तो इसे सब पता चल जाएगा। तो कैसे स्वराज, अगर इसे अभी रोको तो इसे संदेह हो जाएगा। इसलिए शैतानी शक्ति से प्रार्थना करो कि इसके वहां पहुंचने से पहले रानी माँ उस आफत को खत्म कर दे। क्या लेकर आई है तू? चाहे जो कुछ भी लेकर आए मगर तुझ जैसी साधारण लड़की मुझ जैसी खतरनाक डाकनी का खात्मा नहीं कर सकती। कि मैं अंबे माँ की भक्त हूँ और अंबे माँ की भक्ति के सामने काली शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं। इस बार तुझे मेरे कहर से ना तो तेरी भक्ति ना ही तेरी अंबे माँ की शक्ति बचा सकती है। अहंकार के वृक्ष पर विनाश के फल लगते हैं डाकिनी, और तेरा ये अहंकार तेरा नाश करेगा। कितना कम चंदन बचा है और ये डाकिनी चाहती है कि ये चंदन खत्म हो जाए और मैं हार जाऊं। बहुत उड़ रही थी ना तू इस लेप के कारण। अब मेरी शक्तियां तुझे इस लेप का प्रयोग करने ही नहीं देंगी। काश ये अधिराज हो।
अब ये विषैले जादुई बिच्छू तुझे डंक मारकर तेरे शरीर में रक्त की जगह विष भर देंगे। तेरी ये तड़प देखकर बहुत मजा आ रहा है मुझे, पर अब मुझे जाना होगा। हवन में आए हुए गांव के लोगों को भी खत्म करना होगा मुझे। अचानक से मौसम भी खराब हो गया और बादल भी इतनी जोर से गरज रहा है।